सो हेलो एवरीवन, नॉलेज स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे चर्चित इशू जो भी है फार्म बिल्स के बारे में। हम लोग बिल्कुल विश्लेषण करेंगे डीप में जाकर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये बिल क्यों लाया, गवर्नमेंट का इसके फेवर को लेकर क्या लॉजिक है, आखिरकार किसान जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर हमारा अपना एक हम लोगों का अपना एक ओवरव्यू होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह की सिस्टम्स होने चाहिए, इसमें क्या लूपहोल्स हैं, इसके क्रिटिसिज्म क्या हैं या इसकी पॉजिटिविटी क्या है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सही है, कौन सी बातें गलत हैं या कौन सी बातों में किस तरह के सुधार होने चाहिए। तो हम लोग सब कुछ बड़े विस्तार से देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मीडिया चैनल्स में इसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। ये एक्चुअली प्राइम टाइम का विषय है, हर मीडिया चैनल्स पर डिबेट्स में इस तरह के इशू पर बात होनी चाहिए थी, बिकॉज़ ये बिल्कुल एक आम इंसान से जुड़ा हुआ है। जो लोग खेती करते हैं उनसे तो जुड़ा हुआ है ही, जो लोग खेती नहीं करते हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं, वो जॉब्स करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं फार्मिंग सबको अफेक्ट करती है। तो हम एज अ पर्सन जानेंगे, एज अ स्टूडेंट जानेंगे, एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे। किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी विषय में अपना ओपिनियन बनाने से पहले हमको उस विषय की एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और बिल्कुल बेसिक से इस हम लोग डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बिल है और सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल जो है, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है लोगों की, वो ये बिल है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। देखिए, समझिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल लग रहा है नाम से, बट मैं आपको अगर सिंपल में बताऊं तो ये क्या कहना चाह रहा है। ये बिल्कुल इस साफ शब्दों में ये कहना चाह रहा है फ्री ट्रेड। इसका मतलब ये है फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड से कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूँ साफ शब्दों में, ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है कि किसान जो है अब फ्री है अपने जो उपज है उसको बेचने के लिए, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, या तो देश के, राज्य के, अपने राज्य के अंदर या राज्य से बाहर किसी भी राज्य में वो ट्रेड करने से, अपने फसलों को बेचने से बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कानून लाकर कहती है कि हमने क्या किया, हमने उनको एक फ्री ट्रेड की व्यवस्था दी। क्या करेगा ये फ्री ट्रेड, वो किसी को भी मन चाहे इंटर स्टेट में या इंट्रा स्टेट में आसानी से जो है वो फसल जो है वो अपना फसल, अपनी उपज जो है वो बेच सकता है, ये कहता है ये लॉ। अब ये लॉ ये कहता है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या, अगर सिर्फ इतना मतलब है तब तो ये तो बहुत आसान है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है इसको लेकर, गवर्नमेंट क्यों लाई है, गवर्नमेंट क्या इसके फायदे क्या गिनाती है। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि फ्री ट्रेड से क्या होगा, फ्री ट्रेड से होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, फार्मर्स के पास जो होंगे वो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब वो बंधा नहीं है कि वो एपीएमसी, यहाँ पर आया है एक वर्ड एपीएमसी। देखिए, एपीएमसी क्या है, ध्यान से समझिए, एपीएमसी एक्चुअली एक मंडी है, एक सरकारी मंडी है, सरकार के द्वारा गठित मंडी है। तो इस बिल के अनुसार सरकार का कहना है कि हमने जो है वो फ्री ट्रेड सिस्टम लाया,
फ्री ट्रेड सिस्टम से क्या हो जाएगा कि अब वो बाध्य नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं एपीएमसी में बेचें, सिर्फ इन्हीं एपीएमसी पे बेचें, वो चाहें तो किसी को भी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, अगर उनको राज्य से बाहर, अपने राज्य से बाहर कहीं किसी राज्य में फसल की अच्छी कीमत मिल रही है तो वो आसानी से बिल्कुल जाकर बेच सकता है। ये कहता है गवर्नमेंट फ्री ट्रेड है जिससे, और गवर्नमेंट इसके फायदे क्या गिनाती है, गवर्नमेंट का फायदा ये, गवर्नमेंट जो फायदे गिनाती है वो गिनाती ये है, इससे क्या होगा कि फार्मर्स के पास जो होगा मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे। पहले एपीएमसी था गवर्नमेंट के अनुसार, मैं बताऊंगा आगे क्या है इसका, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार फिलहाल क्या कहने का है कि फार्मर्स के पास अभी फिलहाल एपीएमसी है, मतलब मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं जो राज्य सरकार के द्वारा होती हैं, लेकिन हमने ये बिल लाकर क्या किया, उनको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। मल्टीपल ऑप्शन से क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन से मानिए कि वो जाता है और 10 लोग, 10 ट्रेडर्स जो हैं आउटसाइड दी एपीएमसी, मतलब एपीएमसी बाहर 10 ट्रेडर्स हैं। अब ये 10 ट्रेडर में गवर्नमेंट के अनुसार, मैं अभी बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैं आगे बताऊँगा कि प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं, प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है इन पर बिल्कुल डीप में। देखिए 10 हैं, देखिए एक कुछ लोग हैं, अब ये फार्मर है, समझिए ये फार्मर है, और ये फार्मर अब आउटसाइड एपीएमसी जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि वो जाकर बेचेगा, गवर्नमेंट का कहना क्या कि क्या कहना है कि वो उसको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं, इस लॉ से मिलेगा। अब क्या होगा कि ये बोलता है कि भैया हम 15 रुपये पर केजी के भाव से देंगे, बिडिंग होगी यहाँ पर, ये बोलेगा कि नहीं भैया हम 16 के देंगे, 17 कोई बोलेगा, 17 कोई बोलेगा, 18 कोई बोलेगा, 19, इस तरह से जो सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाएगा वो मान लीजिए 20 लगाता है, और ये सहूलियत होगी आसानी से जो है वो किसान जो है वो बेच सकता है जो उसको सबसे ज़्यादा प्राइस देती है, ये लॉ कहती है ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। अब हम लोग जानते हैं क्या सच में ऐसा होता है, असलियत क्या है, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अगर इतना सिंपल है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए भाई, तो सहूलियत देती है कि आप आउटसाइड एपीएमसी, आउटसाइड मंडी जो है आप जाकर बेचे और बिडिंग सिस्टम हो, और आराम से जो है फार्मर्स को जो सबसे हाई प्राइस दे उस पर जो है वो अपने फसल को बेचे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, देखिए हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये जानती है कि ऐसा नहीं है कि ये आउटसाइड एपीएमसी इस लॉ के बाद से बेचना शुरू किया जाएगा, आउटसाइड एपीएमसी जो होगा वो पहली बार नहीं होगा। एक्चुअली में इस लॉ से पहले हैरानी होगी आपको ये जानकर कि 94% फार्मर्स इस लॉ से पहले भी, 94% फार्मर्स, मोर देन 94% फार्मर्स जो हैं वो आउटसाइड एपीएमसी बेचा ही करते थे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि बेच सकते हैं, अरे भैया वो पहले ही बेचते थे, क्या बेच सकते हैं, वो तो बेचते ही थे, 6% जो है पीएमसी को बेचा करते थे। अच्छा ये वो आउटसाइड क्यों बेचते थे भाई, देखिए हमें समझना पड़ेगा, हमें यहाँ एक वर्ड आएगा एमएसपी, आप बहुत आप लोगों ने सुना होगा एमएसपी के बारे में, मैं बहुत डिटेल में जाने का प्रयास करूँगा, समझिए मेरी बात। एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक किसान जो है वो कोई फसल उगाता है, लेट्स से पोटैटो, वो आलू जो है उसका उत्पादन करता है, ठीक, गवर्नमेंट जो है वो एक लिस्ट निकालती है, गवर्नमेंट जो है एक दाम, एक प्राइस जारी करती है इसको, और कहती है भैया कि इस साल आलू की एमएसपी फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ पर केजी है, 20 रुपीज़ पर केजी है, 20 रुपीज़ पर केजी का मतलब क्या हुआ कि कम से कम किसान अगर एपीएमसी में जाकर बेचता है, ये एमएसपी जो होती है वो एपीएमसी के लिए ही बाध्य होती है, मैं आपको बताता हूँ, एपीएमसी में ही ये एमएसपी लागू होती है, मैं आपको बता रहा हूँ लीगली, अगर लीगली देखा जाए तो ये एमएसपी केवल एपीएमसी मतलब जो मंडियाँ होती हैं सरकार के द्वारा गठित वहीं लागू होती हैं। अब ये सरकार जो है वो एमएसपी लाती है, अब जब सरकार एमएसपी लाती है तो कहती है कि भैया आलू 20 रुपये पर केजी एमएसपी है, मतलब कि जब वो एपीएमसी में गई, एपीएमसी में कई तरह के ट्रेडर्स रहते हैं, कम से कम आलू को 20 रुपया तो देना ही देना है, समझिए मेरी बात, मतलब कि कोई भी ट्रेडर जो बोली लगेगी वो 20 रुपये से शुरू होगी,
आप 20 रुपये से नीचे ट्रेडर्स को नहीं दे सकते हैं। आपको जब भी देना होगा तो 20 रुपये से ऊपर ही देना पड़ेगा, यानी कि ये एक सपोर्टिंग प्राइस होती है जो कि सही है, लेकिन ये सिर्फ APMC में अप्लाई होती है। अब समझिए, सरकार कह रही है कि हमने फ्री ट्रेड सिस्टम लाया, मैं कह रहा हूँ और रिपोर्ट्स कहती हैं कि 94% फार्मर्स जो हैं वो पहले से ही जो है वो 94% फार्मर जो हैं पहले से ही आउटसाइड APMC बेचा करते थे। क्यों बेचते थे? अरे भैया, ये जो MSP है जो सरकार जारी करती है वो केवल 22 से 24 फसलों पर ही जारी होती है, केवल 22-24 फसलों पर ही जारी होती है। उसमें भी जो फार्मर्स होते हैं उनको 2 से 3 पर ही MSP मिल पाती है, तो बाकी क्या क्या करेंगे वो जाहिर सी बात है, वो बाहर बेचेंगे। आप बोलते हो कि हम MSP जारी करते हैं, ठीक करते हो, आप 22 से 23 फसलों की MSP जारी करते हो, उसमें से आप 2 या 3 पर ही MSP दे पाते हो, तो प्रोडक्शंस के मामले में तो भाई और किसान्स क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे। तो अगर तो बाहर जाते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं कि 94% फार्मर्स जो है बाहर बेचते हैं, 6% ही बेचते हैं अंदर है, 94% फार्मर्स बाहर बेचते। तो ये जो लॉ कह रहा है कि हमने किसानों को आज़ादी दे दी कि वो फ्री ट्रेड कर सके, वो चाहे तो किसी को बेच सके, APMC के बाहर बेच सके, कोई भी खरीद सकता है, तो ये सरासर आप कह सकते हो कि झूठ है, क्योंकि एक्चुअली में पहले से ही वो खरीदते आ रहे हैं, बेचते आ रहे हैं आउटसाइड APMC। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझा, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि सरकार कह रही है कि हमने जो है वो मल्टीपल चॉइस दे दी कि भैया अब वो चाहे तो उससे बिडिंग होगी, और बिडिंग होने के बाद जो है वो किसान जो है आसानी से जो है वो जो हाईएस्ट प्राइस देगा उसको जाकर वो बेचेगा। लेकिन अब तक क्या मैटर आ रहा है भैया, वो तो पहले से ही बेचता आ रहा है, ये तो नई बात आपने की नहीं, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है उसको हाईएस्ट बिडिंग नहीं मिलती होगी, यानी कि बाहर भी उनके साथ शोषण होता होगा। अब समझिए मेरी बात, देखिए APMCs में क्या होती हैं, यानी जब मंडियाँ होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती हैं, APMC जो होती हैं, इसमें कौन लोग खरीदते थे समझिए, इसमें जो खरीदने वाले होते थे वो भी तो ट्रेडर्स ही होते थे, लेकिन ये जो ट्रेडर्स होते थे, जो खरीदने वाले होते थे, वो होते थे लाइसेंस्ड, इन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो थे लाइसेंस्ड होते थे, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये लाइसेंस्ड होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाइसेंस मिला होता था। तो फार्मर्स जो है वो जाते थे APMCs में, ट्रेडर्स बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बोलियाँ लगती थी, MSP से नीचे कोई जा नहीं सकता था, MSP तो रहना ही रहना है, MSP से ऊपर बोलियाँ लगती थी, और जो ट्रेडर सबसे ज़्यादा बोलियाँ लगाता था वो ट्रेडर जो है वो आपको आसानी से जो है फार्मर जो है वहाँ बेच सकता था, और फिर आपको पैसे वहाँ तुरंत मिल जाते थे 10-15 दिन में मिल जाते थे, चूँकि ये सर्टिफाइड होते थे, लाइसेंस्ड होते थे, तो उनको एक सियोरिटी था कि चलो मेरे पैसे मिल जाएंगे, और उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, चूँकि इनका कारोबार होता था तो एक दूसरे को जानते थे बहुत बेहतर ढंग से। तो ये मैटर है कि ट्रेडर्स जो है लाइसेंस होते थे। अब भाई आप 2 से 3 में ही देते हो APMC MSP, बाकी में किसान बाहर जाता है, और फ्री ट्रेड का जो वो है फ्री ट्रेड मतलब कि आप समझिए, फिर से मैं आपको एक एक चीज़ स्पष्ट करके समझाता हूँ। फ्री ट्रेड सरकार कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं भैया, फ्री ट्रेड तो पहले भी होता था, आउटसाइड मंडी तो पहले भी होती थी, क्या बदलेगी भैया, बदलेगी क्या? आप तो पहले भी कह रहे हो, अगर आंकड़े उठाओ तो पहले भी ये 94% मतलब 90-95% के आसपास जो होता है फार्मर्स जो हैं वो बाहर ही बेचा करते थे, तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? देखिए हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या करते थे बदमाशी मिडिल मैंस, कि ग्रुपिंग कर लेते थे, मिडिल मैन जो होते थे वो ग्रुपिंग कर लेते थे बाहर, कुछ पे APMC आया तो वो तो बिक गया, कुछ जो पे MSP जारी हुई वो तो MSP APMC में बिक गई, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पे क्या करते थे, ये बाहर जाते थे, और बाहर जाने के साथ ही क्या करते थे, ये वहाँ जो कई सारे जो ट्रेडर्स होते थे ये आपस में ग्रुप बना लेते थे, और ग्रुप बनाने के बाद जो थे बिडिंग करते ही नहीं थे, ये बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे ही सबको बिडिंग, का मतलब क्या होता है कि अगर एक 10 बोले तो एक 12 बोले,
दूसरा 13 बोले, अगला 14 बोले, अगला 15.5 बोले, इसी को तो बिडिंग कहते हैं कि बढ़ती जाए। लेकिन ये क्या करते थे, सारे जो ट्रेडर्स थे, जो मिडिल मैन थे, वो बाहर मिल जाते थे, ग्रुपिंग कर लेते थे, और कोई प्राइस आगे बढ़ाता ही नहीं था। एक अगर 10 बोल रहा है तो सब 10 बोल रहे होते थे। तो इस आधार पर किसान को जो है वो बेचना पड़ता था लोवेस्ट प्राइस पे, और अभी भी ये होता है। और अब क्या बदलेगा, बदलेगा ये, अब यहाँ से समझिए क्या बदलेगा, बदलेगा ये कि देखिए क्या बदलेगा, कि अगर आप इनसाइड एपीएमसी बेच रहे हो, इनसाइड एपीएमसी बेच रहे हो, तो इसमें टैक्स लगते हैं, जो लगते रहेंगे विथ टैक्स। और अगर आप बाहर बेचते हो, अगर आप आउटसाइड एपीएमसी बेचते हो, तो ये नो टैक्स हो जाएगा, ये नो टैक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है इससे क्या होगा कि पैसे जो टैक्स तो लगेंगे नहीं, तो इससे सीधा सीधा फार्मर्स को ही अच्छे दाम मिलेंगे, और इस सीधा सीधा फायदा जो होगा वो फार्मर्स का ही होगा, ये कहना है। अब यहीं पर सारा माजरा है। आपने कह दिया कि आउटसाइड नो टैक्स, इसमें टैक्स लगेगा। इस टैक्स में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा टैक्स देती थी, जो अड़ातिया होते थे, जो मिडिल मैन होते थे, उनको भी कमीशन मिलता था। आप कह रहे हो कि बाहर अब कुछ नहीं मिलेगा, अब सीधा फायदा होगा किसान को। ठीक है भाई, फायदा होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो तो देखो कितना बड़ा नुकसान है इससे, कि इन फ्यूचर जो है एपीएमसी के अस्तित्व में खतरा हो सकता है, जिसका अनुमान किसान लगा रहे हैं। समझिए इन फ्यूचर कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि चूंकि ये बाहर जो है, आउटसाइड एपीएमसी जो है, आउटसाइड एपीएमसी कोई टैक्स नहीं है, और ये इनसाइड एपीएमसी टैक्स है, तो जाहिर सी बात है ये जो जो ट्रेडर्स होंगे, और ये लाइसेंस ट्रेडर्स हैं, ये भी ट्रेडर्स हैं लेकिन ये लाइसेंस ट्रेडर्स हैं, और इनका एक एमएसपी है, इनका कोई एमएसपी नहीं है, इनका कोई एमएसपी की जो वैलिडिटी नहीं है, इनका एक एमएसपी की लीगल वैलिडिटी है, उसको उससे नीचे नहीं देना है, इसको ज़रूरी नहीं है, ये कोई लीगल वैलिडिटी में नहीं बने, एमएसपी दो, एमएसपी मत दो, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जब फार्मर्स कहते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे जो है आने वाले फ्यूचर में जो है वो आप कह सकते हो कि एमएसपी को ख़त्म कर सकता है, जो किसान भी जिसका अंदेशा लगा रहे हैं। देखिए समझिए मेरी बात, ये आउटसाइड एपीएमसी में नो टैक्स है, इनसाइड एपीएमसी टैक्स भी है, और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लीगल जो लाइसेंस होते हैं, उनको एमएसपी को फॉलो करना पड़ता है, नहीं एमएसपी से नीचे वो नहीं जा सकते, उनको एमएसपी लॉ फॉलो करने होते हैं। इसमें कितनी सहूलियत है, इसमें कोई एमएसपी भी नहीं है और इसमें टैक्स भी नहीं है। तो जब इसमें कोई टैक्स नहीं है, टैक्स भारी भरकम टैक्स होता था भाई, 2.5% कमीशन तो होता था रातियों का ही, ऊपर से फिर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स जोड़ती थी, तो इससे टैक्स का एक बहुत भारी मात्रा हो जाता था जो कि बाहर नहीं है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्राइस देंगे ये किसानों को जो है, वो ज़्यादा प्राइस देंगे। समझिए मेरी बात, जो कि पहले नहीं थी, पहले इनका, समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो है वो ज़्यादा प्राइस देंगे। मेरी बात सुनिए, अब ये किसानों को ज़्यादा प्राइस देंगे। अब किसान क्या होगा कि पूरी तरह से जो है वो इन पर जो है डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये चूंकि जाहिर सी बात है एमएसपी इनको, इनको यहाँ प्राइस कम मिलेगा क्योंकि टैक्सेस है कई तरह के, इसमें बिल्कुल टैक्सेस अब ख़त्म हो गई। जब इसमें पूरी तरह से आउटसाइड एपीएमसी में टैक्स ख़त्म हो गई तो सहूलियत मिलेगी, और ये जाहिर सी बात है ये जो ट्रेडर्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे दाम देंगे फार्मर्स को, और सारे फार्मर्स जो हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे क्योंकि अच्छी प्राइस मिलेगी, शिफ्ट हो जाएंगे ये आउटसाइड एपीएमसी में। देखने को तो अच्छा लग रहा है कि भैया अभी तो शिफ्ट हो जाएंगे, इन फ्यूचर क्या होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये भी ट्रेडर्स हैं, ये भी प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं, इनको लगने लगेगा भैया हम लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, हमें एमएसपी का रूल भी फॉलो करना पड़ता है, और हमारे पास कोई बेचने भी नहीं आता है, तो वो भी क्या करेंगे धीरे धीरे उठकर इसी प्राइवेट ट्रेडिंग में आ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट ट्रेडिंग टैक्स फ्री है। धीरे धीरे जब प्राइवेट ट्रेडिंग में ये भी आ जाएंगे, किसान को भी फायदा रहता है, कुछ समय तक के लिए तो फायदा होगा, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो फायदा होगा, लेकिन जब ये पूरी तरीके से, समझिए ये जब पूरी तरीके से कोई यहाँ पे खरीदने वाला ही नहीं, यहाँ पे किसान बेचने ही नहीं आने आएगा, क्योंकि ये अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, सरकार एमएसपी जारी करते रहे तो क्या, अगर यहाँ पे अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं तो एक ना एक दिन एपीएमसी बंद होंगी कि नहीं होंगी आप बताइए, एक ना एक दिन ये एपीएमसी बंद होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी।
क्योंकि उनको उनके मेंटेनेंस का भी खर्च देना है। लोग काम कर रहे होते हैं, कई सारे गोदाम होते हैं, उनके मेंटेनेंस का खर्चा, फिर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उनका खर्चा, जब कोई फार्मर्स बेचने ही नहीं आ रहा है तो फिर वो भैया रख के क्या करेंगे। तो एक दिन तो ये एपीएमसी बंद ही हो जाएंगे। फिर सरकार एपीएमसी, अगर एपीएमसी है तो एमएसपी है, बाहर कोई एमएसपी की लीगल वैलिडिटी नहीं है, यानी कि एपीएमसी खत्म तो एमएसपी खत्म। फार्मर्स को यही डर है, फार्मर्स को यही डर है कि आप अगर अभी टैक्स फ्री कर रहे हो इसमें, मतलब सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, इवन जो एपीएमसी के जो ट्रेडर्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टैक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप समझिए कि किसानों का जो इसमें लॉजिक है, जो किसानों का जो विरोध है, वो बहुत अपने आप में एक सर्वमान्य है। कहा जा सकता है कि नहीं, सही का किसान का जो विरोध है वो सही है, क्योंकि एक ना एक दिन, अभी तो ठीक है, अभी एमएसपी भी जारी करेगी गवर्नमेंट, और अगर किसानों को बाहर अच्छा मिल रहा है तो बाहर बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन इन फ्यूचर धीरे 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 सब कुछ शिफ्ट कर जाएगा प्राइवेट ट्रेडिंग में, आउटसाइड एपीएमसी के ट्रेडिंग में, और फिर एपीएमसी में बेचने वाला कोई नहीं होगा। और फिर क्या होगा, जब ये आउट, फिर एपीएमसी एमएसपी का मतलब नहीं रह जाएगा। और समझिए क्या हो जाएगा, जब सब कोई प्राइवेट ट्रेडिंग करने लग जाएगा, जब सब कोई प्राइवेट ट्रेडिंग ही करने लग जाएगा, तब यहाँ फिर से इनकी जो है बदमाशी वो शुरू होगी। कैसी बदमाशी इनकी शुरू होगी समझिए, देखिए, ये जब एपीएमसी खत्म, एमएसपी खत्म, अब कोई एमएसपी एमएसपी के बाहर तो कोई लीगल वैलिडिटी है नहीं, ये फिर करेंगे ग्रुपिंग और फिर दाम कर देंगे नीचे, ये फिर करेंगे मिल जाएंगे, यहाँ बिडिंग जो गवर्नमेंट का है ना कि बिडिंग होगी, कोई बिडिंग वुडिंग नहीं होगी, ये सब आपस में मिल जाएंगे, इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी और जो प्राइस है वो घट जाएगा। यानी पहले तो प्राइस मिल रहा है ज़्यादा तो ये शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइस मिल रहा है ज़्यादा शिफ्ट होंगे, धीरे 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 एपीएमसी एमएसपी का भी पूरा खत्म होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हम एमएसपी, अरे भैया आप एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हो, मान लिया जाए, लेकिन इन फ्यूचर तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा। आप देखो, और जैसे ही एपीएमसी एमएसपी खत्म हुआ तो समझिए सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो जाएगा, और अगर सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हुआ तो ये क्या करेंगे, ये भैया करेंगे ग्रुपिंग, और दाम को बढ़ने ही नहीं देंगे, बिडिंग जैसा कोई चीज़ रह ही नहीं पाएगा। बिडिंग होगा तब ना चीज़ें सही होंगी, बिडिंग होगी ही नहीं, आपस में सब मिल जाएंगे ग्रुपिंग करके, और दाम को ऊपर बढ़ाएंगे ही नहीं, और मजबूरन किसान को बेचना पड़ेगा लोवेस्ट प्राइस में। जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एमएसपी थी, तो चलो उनको कम से कम एमएसपी का वो सियोरिटी थी कि चलो इतना तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई सियोरिटी नहीं है। हो सकता है कि इनकी बीडिंग जो हो सब मिलकर एमएसपी से भी कम प्राइस में, मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइस में, क्योंकि फार्मर्स ने तो प्रोड्यूस कर लिया है, उनका बहुत बड़ा स्टॉक है, वो जल्दी से जल्दी बेच के हटाना चाहता है, उनके पास इकट्ठा करने के कोई साधन है नहीं, तो भैया वो क्या करें, तो जितना जल्दी बेचना चाहेगा बेच के हटाएगा, क्योंकि सामान बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से शोषण कर सकते हैं। ये तो फार्मर्स के लिए है, अब इससे बिचौलियों को भी नुकसान है, जो अड़ातिए हैं उनका भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, चूँकि ये जो प्राइवेट ट्रेडिंग है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, और इतनी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी जो जिनसे जो है ये मिडिल मैन भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, अडानी अंबानी बिरला से अगर आ गए तो ये उनसे, जो कि आएंगे इन फ्यूचर, तो ये उनसे भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप जान जाइए, ये उनसे भी नहीं कम्पीट पाएंगे, तो मिडिल मैन भी मारा जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जिनका अंपायर है, जो अनऑर्गेनाइज होकर भी ऑर्गेनाइज है, उनका एक पूरा का पूरा जो है साम्राज्य खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इसका खत्म होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, तो सिर्फ आएंगे नहीं, ये अपने साथ बहुत कुछ लाएंगे, ये अपने साथ टेक्नोलॉजीज लाएंगे, ये अपने साथ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, ताकि जो है वो जो आप कह सकते हो कि जो खेती से लेकर उनके यहाँ तक पहुँचने का पूरा सिस्टम जो होगा वो इनोवेटिव होगा, वो रिसर्च पर ध्यान देंगे। ये गवर्नमेंट का लॉजिक है इसके फेवर को लेकर, इसके फेवर में। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ हद तक ये सही भी है, और चूंकि कुछ हद तक इसलिए भी गलत है कि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आ गए, तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज का फार्मर्स के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भैया हैं छोटे मोटे फार्मर्स, और इनका इनके साथ डील करना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो समझा आपने, ये बिल को समझा, मैं फिर से बता दूँ, फ्री ट्रेड, किसान ये बिल कहता है फ्री ट्रेड, अब कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है,
अब जहाँ तहाँ वो जो है पहले भी होती थी चीज़ें, किसान कभी रुका नहीं, जो उनको जहाँ मिलता था वहाँ मिलती थी, जहाँ उनको जो प्रॉफिट्स मिलती थी वो वहाँ बेचते थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, आउटसाइड मंडी टैक्सेस नहीं लगेंगे, इनसाइड मंडी टैक्सेस एज इट इज़ लगेंगे। अच्छा, आउटसाइड मंडी में जब टैक्स लगने लगेंगे, टैक्स नहीं लगेंगे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ शिफ्ट होगा आगे, कोई अच्छे प्राइस मिलेंगे। अभी तो अच्छे प्राइस मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा कि धीरे 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 एपीएमसी और एमएसपी का कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ शिफ्ट कर जाएगा प्राइवेट ट्रेडिंग में, क्योंकि टैक्सेस फ्री हैं, वहाँ पर अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, तो फार्मर्स भी उनको प्रायोरिटी देंगे। जब सारे फार्मर्स उनको प्रायोरिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है एपीएमसी और एमएसपी का कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि एक ना एक दिन सब कुछ प्राइवेट में शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइवेट में शिफ्ट हो जाने के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जिस दिन कंट्रोल खत्म कर ली, तो ये फिर से प्राइवेटाइजेशन का करेंगे, ये प्राइवेट ट्रेडर्स ग्रुपिंग करके मार्केट प्राइस को घटाने का काम करेंगे, और मजबूरन किसान को लोवेस्ट प्राइस में, लो से लो प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पड़ेंगे, और फिर से उनका शोषण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर तो गवर्नमेंट का कहना क्या कहना है कि बिग कॉरपोरेट हाउसेज आएंगी, जो अपने इन्वेस्टमेंट लाएंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी, इनोवेशन लाएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगी, जो कि एक तरह से छोटे असरे में ये भी सही है। तो हमने दोनों बात की, हमने इनका पॉजिटिव भी देखा, हमने इनका नेगेटिव भी देखा। देखिए, अब एक और जो है वो ये है स्टेट गवर्नमेंट का, कि भैया पहले उनको टैक्सेस मिल जाते थे एपीएमसी में, अच्छे खासे हैवी टैक्सेस मिल जाते थे, तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए भी जो है वो नाराज़ है, क्योंकि उनके टैक्सेस भी, जाहिर सी बात है भाई, इतना बड़ा बहुत बड़ी आबादी फार्मिंग से जुड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, अब वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज आउटसाइड मंडी सब कुछ ट्रेड करने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है वो टैक्स कलेक्शन आना बंद हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए भी इसका विरोध कर रही है। तीसरा जो आप समझो इसको लेकर ये भी है कि जो ट्रेडर का डेफिनेशन है, जो ट्रेडर का डेफिनेशन है वो थोड़ा इसमें बदला है, आप समझिए, ट्रेडर का जो डेफिनेशन है इसने बदला है, ट्रेडर का डेफिनेशन और ट्रेडिंग का प्लेस ये दोनों बदला है, आप समझिए मेरी बात, समझिए आप। पहला ऑब्जेक्शन तो मैंने समझा दिया, अब फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड में एक में टैक्सेस लगेंगे, एक में टैक्सेस नहीं लगेंगे, जिसमें टैक्सेस नहीं लगेंगे जाहिर सी बात है प्राइसेस अच्छे खासे मिलेंगे, तो सारे फार्मर्स जो होंगे शिफ्ट होंगे, धीरे जब शिफ्ट होते जाएंगे तो एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, जब एमएसपी एपीएमसी दोनों खत्म हो जाएगी, सारे प्राइवेट हो जाएंगे, तो प्राइवेट गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर से ये ग्रुपिंग करके मार्केट प्राइस को घटाएंगे, और फिर से जो फार्मर्स का शोषण होगा। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो कि ट्रेडर डेफिनेशन को लेकर, डेफिनेशन को लेकर देखिए, अब कौन ट्रेडर है, पहले ट्रेडर कौन होता था, गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेडर्स होते थे, लाइसेंस्ड होते थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको लाइसेंस मिला होता था कि वो जाके एपीएमसी में जो है खरीद सकें, बाहर भी लोग बेचते थे, लेकिन आउट इनसाइड मंडी में जो है वो एक, अगर आपको गवर्नमेंट ऑथराइज तरीके से ट्रेडर्स को एमएसपी के ऊपर अगर एक नियम के तहत आपको ख़रीदना है, जो कि बहुत सारे फार्मर्स जो होते थे खरीद, जो कि उनको एपीएमसी में ही जाते थे, तो उनका क्या था कि एक लाइसेंस तरीका होता था, एक ऑथराइज होते थे, वो गवर्नमेंट के आदमी की तरह काम किया करते थे। इस लॉ में क्या किया है कि ट्रेडर का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, इसमें कहा है कि कोई लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु हैज़ अ पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड है वो ट्रेडर बन सकता है, वो चाहे तो किसान से ट्रेडिंग कर सकता है, अब कोई लाइसेंस वाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा पैन कार्ड दिखाए और उठ जाए और कॉमोडिटीज़ खरीद ले फार्मर से, कोई उसको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अपने आप में किसान इसको भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको लेकर क्या ऑब्जेक्शन है, इसको लेके जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि देखिए फार्मर जो है, देखिए ये फार्मर है वो मिडिल मैन से, फॉर एग्जांपल जो जो लाइसेंस्ड मिडिल मैन है उनसे ट्रेड करता है, उनसे व्यापार करता है, ये जो करता है ये चूंकि लाइसेंस्ड होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, और इनसे इनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो इन पर ये विश्वास होता है, जब ये
व्यापार करते हैं तो तुरंत तो पैसे मिलते नहीं हैं, 15 दिन 20 दिन तो लग ही जाते हैं। तो उनको पता होता है कि जो है वो मतलब है हमारा आदमी है, सरकार का आदमी, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन पैन कार्ड सिस्टम आने से गवर्नमेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो फार्मर्स, उनका कहना है कि एक ऑथराइजेशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब अब हमारा ट्रस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, हम किस पर विश्वास करें भाई, अगर वो लेके भाग गए तो हम क्या करें। तो इस पर गवर्नमेंट को सच में काम करने की ज़रूरत है, उसमें किसानों को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि फिर भी गवर्नमेंट उसके ऊपर रहेगी, चूंकि उनका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो वो भाग सकते नहीं हैं, वो धोखा कर नहीं सकते। जब उन्होंने लिया है एक प्राइस पर तो उनको देना पड़ेगा वो प्राइस। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस के रूप में उनको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, आप बिल्कुल निफिक्र रहो, आपके साथ जो होगा वो धोखाधड़ी नहीं कर सकते, बिकॉज उनका पैन कार्ड है या फिर एक सिस्टम है। इस तरह से सिस्टम भी उनको डेवलप करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फार्मर्स का जो ये जो ऑब्जेक्शन है वो गवर्नमेंट को इसको सॉल्व करना चाहिए, और ये कोई बड़ा इशू नहीं है उस लेवल पर देखा जाए, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दो मैटर था। अब हम आते हैं इसके तीसरे जो ऑब्जेक्शन है, जो तीसरा इस पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, वो है रिजोल्यूशन, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो विवाद होंगी, उसका जो रिजोल्यूशन होगा, जो वो कैसे होगा, समझिए, आप समझिए अब। और ये भी अपने आप में जो है वो आप समझ जाओ कि एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पर प्रोटेस्टर्स का एक जो लॉजिक है, जो वो तर्क दे रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। देखिए, समझिए, एक फार्मर का अगर किसी एक बड़े ट्रेडर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई मतलब विवाद हो जाता है ट्रेडिंग को लेकर, जो कि होगा ही होगा, होता ही है, आप समझ जाओ कि ये होगा होगा, तो इनका जो निवारण होगा, जो इस डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन होगा, वो होगा भैया एक एसडीएम करेगा, एक एसडीएम करेगा, यानी जो जिले का एसडीएम, इसका जिले के एसडीएम के पास ये मैटर जाएगा, और फिर दोनों के बीच का जो हुआ वो मैटर सेटलमेंट पे काम करेगा, किस तरह से डिस्प्यूट को ख़त्म करें या कॉन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ये एसडीएम करेगा। अब सर गवर्नमेंट का क्या कहना है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका क्या कहना है कि चूंकि ये बहुत बड़े आदमी होंगे, ये बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज होंगे, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, और ये एसडीएम कौन होगा, ये एसडीएम सरकारी आदमी होगा, ये कितना जानता है फार्मर्स के बारे में, जाहिर सी बात है करप्शन भी है, ये फेवर कर लेगा इन्हीं कॉरपोरेट हाउसेज को, यानी कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा, जो डिस्प्यूट्स होंगे वो हमेशा इन्हीं के पक्ष में बोलेगा, जो भी देखा जाए तो सही है भाई, भारत में करप्शन भी है, अगर ये कॉरपोरेट हाउसेज पैसा खिला दें तो कोई ऐसा है नहीं, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, लेकिन है ये ऑब्जेक्शन जो है वो, अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो ऐसा होता है, और करप्शन है इंडिया में, और इस लेवल पे तो करप्शन है ही, तो कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं आसानी से जो है यहाँ पे अपना अपने हक में जो है वो फैसले सुनवा सकती हैं, अगर वो चाहे के तो फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, हाई कोर्ट में जाना एक छोटे किसानों के लिए क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, उनके पास कहाँ से आएंगे लॉयर्स, उनको कितनी जानकारी है लॉ की। तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो ये पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के खिलाफ है। इस पर भी गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग पहल करने चाहिए थे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं उसमें रखने चाहिए थे कि नहीं, इस पर जो होगा वो फार्मर्स का एक ग्रुप होगा जो इसके जो वहाँ जाएगा, और फिर फार्मर्स ग्रुप जो होगा वो ही मैटर को सॉल्व करेगा, फिर अगर आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, और फार्मर्स ग्रुप को जो लॉयर्स है वो लॉयर्स गुड गवर्नमेंट देगी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती थी। लेकिन अभी देखा जाए तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मामले में एक तरफ तो फार्मर्स खड़ा है, गरीब किसान खड़ा है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रेडर खड़ा है, एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो है वो कॉरपोरेट हाउस खड़ा है, तो उससे फार्मर कैसे जीत सकता है, उससे फार्मर बिल्कुल नहीं जीत सकता है, अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो उससे फार्मर जीतने का कोई ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के पक्ष और प्रोटेस्टर्स के, फार्मर्स के क्या ऑब्जेक्शन है, क्या वो किस बात पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, समझ में आया होगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं,
पहला तो है कि फ्री ट्रेड कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए, ये पहले भी होती रही थी। अब 94% ज़्यादा किसान अभी भी फ्री ट्रेड ही करते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अब हुआ क्या कि बस फ्री ट्रेड में टैक्सेस फ्री कर दिए हैं और APMC में टैक्सेस एज इट इज़ लगेंगी ही लगेंगी। इन फ्यूचर में क्या होगा, सारे लोग प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज टैक्सेस नहीं है तो उनको अच्छा दाम मिल जाएगा। जब सब कोई शिफ्ट हो जाएगा तो APMC और MSP का पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं भैया MSP तो रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया ना कि हम तो MSP रखेंगे। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगा, MSP खत्म हो जाएगा, वो झूठी खबर है। मैं मानता हूँ फिलहाल आप MSP रखोगे, लेकिन कितने सालों तक रखोगे भाई? इन फ्यूचर धीरे धीरे प्रैक्टिकल सोचो आप। आप उसको आपने टैक्स फ्री कर दिया तो जाहिर से बात है लोग उस ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा दाम मिलेगा। जब उनको वहाँ वो अच्छा दाम मिलेगा तो सब कोई प्राइवेट की ओर ही शिफ्ट होंगे। आउटसाइड APMC ट्रेडिंग ही ज़्यादा होगी, और आउटसाइड APMC ट्रेडिंग ज़्यादा होगी तो ये APMC में जो बैठे ट्रेडर्स हैं वो लाइसेंस लेना बंद कर देंगे, बिकॉज उनको लॉसेज होने लग जाएंगे। और इवन जो गोदाम्स के जो पूरे मेंटेनेंस का खर्चा, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? एक ना एक दिन APMC बंद हो गया। APMC बंद हो गया तो MSP बंद हो गया, बिकॉज बाहर MSP की कोई लीगल वैलिडिटी होती नहीं है। तो ये है पूरा मैटर, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि पैन कार्ड से कोई भी ट्रेडर बन सकता है, तो फार्मर्स का ये ऑब्जेक्शन है कि हम कैसे मान लेंगे कि वो पैसा लेके नहीं भागेगा। गवर्नमेंट हमें एश्योरेंस दे कि नहीं वो पैसे लेके नहीं भागेगा, सियोरिटी उनको सिक्योरिटी मनी मिले या कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि भाई वो लेकर नहीं भागेगा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी काम करना चाहिए कि उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाई जाए कि नहीं वो पैसे लेकर वो नहीं भागने वाला। गवर्नमेंट को इसके लिए भी काम करना चाहिए। तीसरा तो एक डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट हो जाएंगे फार्मर्स के बीच में, बड़े ट्रेडर्स के बीच में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में, तो फार्मर्स बेचारा, उनको लॉ की कोई जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है। वो SDM के पास जाएगा तो SDM जाहिर सी बात है वो घुस करके बैठेगा तो वो फेवर में वोट देगा। करप्शन देश की सच्चाई है, आप भाग नहीं सकते इससे। करप्शन देश की सच्चाई है, और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन सच में बहुत बड़ा इशू है, और वो पैसे खाएगा। इनको पैसे खिलाना आसान हो जाएगा, और हमेशा जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में, तो ट्रेडर्स के पास ये हमेशा ये रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी जो SDM के पास जाए, क्योंकि उसको पता है कि SDM के पास जाएगा तो मेरे ही फेवर में वोट देगा, उसको हम घुस दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो 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 मैटर होगा, जो डिस्प्यूट होगा, उसमें हमेशा किसान को दबना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला फार्मर प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिल क्या है, गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या समर्थन है, इसके समर्थन में क्या वो देती हैं लॉजिक, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उसके विपक्ष में क्या लॉजिक देते हैं। गवर्नमेंट के समर्थन के पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि फ्री ट्रेड हो जाएगा तो उनके पास फार्मर्स है मल्टीपल चॉइस, जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस होंगी, बिडिंग होगी और अच्छे खासे प्राइसेस मिलेंगे। अभी तो होगी, इन फ्यूचर क्या होगा, सब आ जाएंगे और फिर सब ग्रुपिंग करके मार्केट प्राइस को घटा देंगे, बहुत नीचे ले जाएंगे, तो अभी तो सही है। दूसरा, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आ जाएंगी, क्योंकि टैक्सेस नहीं होंगी, बहुत भारी भरकम जो टैक्सेस लगती थी वो नहीं होंगी, तो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आ जाएंगे। ये कॉरपोरेट हाउसेज आ गई तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाएंगी, अपने साथ जो है वो इनोवेशंस लाएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा, और जो सुविधाएं होंगी, जो 21st सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी सुविधाएं होंगी, जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी होंगी, वो किसानों को मिलेगी, और किसानों का जो जीवन स्तर है, जो फार्मिंग करने का जो तरीका है वो बेहतर होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो गवर्नमेंट का इसको लेकर ये पक्ष है, तो मैंने ही बता दिया गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, मैंने बता दिया कि प्रोटेस्टर्स का क्या पक्ष है। चलिए अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या लगता है। अब आते हैं आगे, आगे है अगला, अगला क्या कहता है, अगला बिल क्या है। अगला बिल कहता है कि जो फार्मर्स इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। देखिए ये क्या कहता है, समझिए मेरी बात ध्यान से। अगला जो बिल है वो है फार्मर्स इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये क्या कहता है, देखिए पहला बिल तो कहता था कि प्रोडक्शन के बाद फार्मर कहाँ कैसे बेचेगा, पहला बिल वो बताता था। दूसरा बिल बताता है, दूसरा जो लॉ आया है, जो बिल आया सॉरी, वो क्या बताता है, वो बताता है कि उपज के समय ही वो किसको बेच देगा, यानी उपज कर रहा हो जब तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा बड़ी कंपनियों से, वो सीधा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि उपज के बाद उसको
लोगों को मतलब वो दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, वो पहले से उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो सीधा जो है वो जाकर बेच सकता है, जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको वो जो है वो बेच सकता है। तो अब समझिए एक और इजी वर्ड में इसको, इस बिल को समझिए आप। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक फार्म लैंड है और इसमें जो है ये एक किसान है, ठीक, ये उपज कर रहा है, ये उपज कर रहा है, लेट सेज ये उपज कर रहा है, आपको इमेजिन कीजिए कि ये उपज कर रहा है आलू का, जस्ट जस्ट यू नो ट्राई टू से कि ये आलू का जो है, देखिए ये फार्मर है, सॉरी ये फार्म लैंड है, ये फार्मर है और ये जो है वो आलू की उपज कर रहा है, ये अपने जो खेत में है वो आलू लगा रहा है। अब मेरी बात समझिए आप, जब ये अपने खेत में आलू लगा रहा है तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चिप्स की कंपनी है लेज, लेज ही नहीं है मतलब और भी बहुत कंपनियाँ हैं लेकिन लेज एक बहुत बड़ी चिप्स की कंपनी है, ये क्या कहेगी इस लॉ के अनुसार, क्या कहना है कि ये लेज की कंपनी अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इस फार्मर से कि भैया तुम्हारा जो उपज हो जाएगा वो हमको बेच देना, हम 20 रुपये पर केजी के भाव से खरीद देंगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ही ये मार्केट, ये जब फसल हो गई तो अब इसके पास एक एश्योरेंस है कि उसने कहा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 20 रुपये पर केजी के भाव से मेरे आलू को खरीदेगा, तब ये सीधा इससे आएगा और ये 20 रुपये पर केजी के भाव से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो वो आसानी से बेच सकता है। तो गवर्नमेंट का कहना है इससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक एक सियोरिटी मिलेगी, एक एक एश्योरेंस मिलेगा कि नहीं भाई उनका जो फार्म लैंड है, जो उनका जो प्रोडक्शन है उसको कोई ना कोई खरीद रहा है, ताकि जब जब उपज हो जाए, जब फसल तैयार हो जाए, तब उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी एपीएमसी की या प्राइवेट मंडियों की, वो सीधा चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है वो बेच सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ये किया है ये बिल लाकर कि हमने सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर कहा है कि आप खरीद सकते हो, ये है ये बिल, ये गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ये फ़ायदा हुआ फार्मर्स को कि सीधा जो है उनको पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और आसानी से बेच सकता है, उनको दर दर की ठोकरें फसल तैयार होने के बाद नहीं खानी पड़ेगी, ये है। अब इसकी रियलिटी समझिए, देखिए समझिए आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि 86% 86% जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास लेस देन टू एकर्स का ज़मीन है, यानी 86% ऐसे फार्मर्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और ये जो उपज करते हैं ये बहुत बड़े मात्रा में, तो ये खुद अपने घर में रख लेते हैं अपने यूज के लिए और बहुत छोटा मात्रा जो होगा वो बाहर लाते हैं बेचने के लिए। अब आप मुझे बताइए ये क्या प्रैक्टिकल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होंगी वो इंडिविजुअल एक एक फार्मर्स के पास जाएंगी, छोटे छोटे फार्मर्स के पास, यानी कितने फार्मर्स को उनको, अगर मान लिया जाए कि एक लेज की कंपनी को 10 टन आलू चाहिए होगा तो यानी ऐसे ऐसे कितने छोटे छोटे आलू के जो फार्मर्स को उनसे संपर्क करना पड़ेगा, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि ये बड़ी कंपनियां जो होंगी उन छोटे छोटे फार्मर्स के पास जाएंगी और बोलेंगी भैया आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इज इट पॉसिबल, इज इट प्रैक्टिकल? आई बिलीव नो। ये कंपनियाँ एक एक इंडिविजुअल फार्मर्स के पास, छोटे फार्मर्स के पास तो बिल्कुल नहीं जाने वाली कि आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हम जब आपकी उपज हो जाएगी तो हम आपके आलू को खरीद लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे अनुसार। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, देखिए मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि देखिए इनसे डील करने के बजाय ये कंपनियां किन से डील करना अच्छा समझेंगी, बड़े किसानों के जिनकी उपज बहुत ज़्यादा होती है, जो बड़े किसान हैं जो बहुत बड़े मात्रा में आलू के उपज करते हैं, जो बड़े मात्रा में गेहूं की उपज करते हैं, जो बड़े मात्रा में कच्चे आम की उपज करते हैं ताकि चॉकलेट बन सके, कच्चे आम से चॉकलेट बनते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर क्या हो सकता है, या तो वो ये हो सकता है कि इस लेज कंपनी को 10 करोड़, ये लेज कंपनी को 10 करोड़ चाहिए थे, 10 करोड़ टन फॉर एग्जाम्पल उनको चाहिए, 10 करोड़ सॉरी 10 टन, 10 टन चाहिए आलू, तो ये लेज कंपनी जो है वो सीधा एक बड़े ट्रेडर से संपर्क करे, ये बड़ा ट्रेडर जो है उसको सीधा 10 टन आलू प्रोवाइड करा सके, और ये बड़ा ट्रेडर जो है कहाँ से ये 10 टन आलू खरीदे, ये किसानों से, ये जो है
ये छोटे छोटे किसानों से कॉन्टैक्ट कर सके कर ले कि भैया तुम पर जब उपज जाए तो हमको भेज देना, हमको भेज देना, और ये सीधा लेज की कंपनी को भेज दें। कंपनियाँ ये चाहिए, कंपनियाँ एक एक छोटे छोटे किसानों से कॉन्टैक्ट करने नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं करने जा रही। उनको चाहिए भैया ये बीच में एक, कि उनको एक बार में कोई दिला सके। किसानों का कहना है कि जब ये चीज़ होगा तो सिस्टम सुधरा कहाँ, मिडिलमैन तो हो गए ही, मिडिलमैन तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। आप कैसे कह रहे हो कि मिडिलमैन नहीं रहेगा, क्योंकि लेज बड़ी कंपनियां तो हमारे पास आएंगी नहीं, हम छोटे किसान हैं भाई, ये जाएंगे एक मिडिलमैन को जो आसानी से जो है वो इनको दिला सके। अब ये मिडिलमैन के पास ही जाएंगे तो ये मिडिलमैन फिर करेंगे बदमाशी, फिर ये क्या करेंगे ग्रुपिंग बनाएंगे और प्राइस को मार्केट प्राइस से कम करेंगे, और ये लो प्राइस से किसान से खरीदेंगे और हाई प्राइस में इन कंपनियों को बेचेंगे। तो कुल मिलाकर इनका तो फायदा होगा लेकिन फार्मर्स का जो है कोई फायदा नहीं होगा, उनकी जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी बनी रहेंगी। ये ऑब्जेक्शन सच में बहुत ज़्यादा जो है वो यू कैन से कि एक इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को और गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि छोटे बड़े किसान को तो चलो वो कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, लेकिन छोटे किसानों से कॉन्टैक्ट वो डायरेक्टली एक एक किसानों से कैसे करेंगे। उनको बीच में चाहिए भैया एक सिस्टम जो उनको एक बार में कॉन्टैक्ट करके दिला दे, और ये जब मिडिल मैन हम पहुँचेंगे तो ये मिडिल मैन करेंगे बदमाशी, ये फिर ग्रुपिंग करके मार्केट प्राइस को घटाएंगे, और मार्केट प्राइस को घटाने के बाद ये फार्मर से लो प्राइस में खरीदेंगे और फिर इन कंपनियों को हाई प्राइस में बेच देंगे। तो इनका तो प्रॉफिट हो जाएगा, फार्मर्स की स्थिति ज्यों की त्यों रहेंगी। गवर्नमेंट का कहना है कि हम सियोरिटी दे रहे हैं, लेकिन कहाँ ये सोटी मिलेगी, ये तो छोटे किसानों के पास तो आने नहीं जा रहे हैं, ये तो बड़े किसानों के पास जाएंगे। हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास वो मिडिलमैन आएगा, एक हमारे पास एक कंपनियाँ नहीं आएंगी, हमारे पास वो मिडिलमैन आएगा, क्योंकि ये कंपनियाँ किन के पास जाएंगी, या मिडिलमैन के पास जाएंगी। ये है मैटर, ये बहुत बड़ा इशू है इनके भी, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। समझ में आया ऑब्जेक्शन? गवर्नमेंट का कहना है कि भैया सीधा जो कंपनियां हैं वो आएंगी, किसान का कहना है कि हमारे पास आएंगी ही नहीं, हम छोटे किसान हैं भाई, इंडिविजुअली किसी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती हैं वो, उनको फिर से एक मिडिलमैन चाहिए होगा जिनको एक बार में उतना जो उनकी जो मांग है वो पूर्ति कर सके, और ये मिडिलमैन फिर आएंगे हमारे पास तो इस सिस्टम ज्यों का त्यों का कोई सुधार नहीं होगा। इस नियम का जो दूसरा ऑब्जेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो प्रोटेस्टर या कि जो फार्मर जो विरोध कर रहे हैं उनका ये है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट के समय माने जाए कि मैंने आलू उगाया, और आलू उगा के समय मेरा माने लेज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 20 रुपये पर केजी का, जस्ट एज्यूम, ठीक 20 रुपये पर केजी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेज कंपनी के साथ, और मार्केट प्राइस जब फसल तैयार हो गई, जब आलू तैयार हो गया, तब मार्केट प्राइस है 15 रुपये पर केजी। तो यहाँ तो चलो मेरा प्रॉफिट है, मार्केट प्राइस है 15 रुपये पर केजी, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 6 महीने 7 साल पहले कि हम 20 रुपये पर केजी में ख़रीदेंगे, तो यहाँ तो फार्मर्स का प्रॉफिट है। लेकिन मान लो कि ये चीज़ उल्टा हो जाए कि ये 20 रुपये पर केजी से कॉन्ट्रैक्ट है, या मार्केट में से प्राइस जो है वो 25 रुपये पर केजी हो तो क्या हो, 30 रुपये पर केजी हो तो क्या हो, किसान तो कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, छोटा किसान तो कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है। जस्ट एज्यूम कि मान लिया जाए कि छोटी कंपनियों के पास, छोटी फार्मर्स के पास ये कंपनियां पहुंच गई और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि 20 रुपये पर केजी के दाम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस समय मार्केट प्राइस है 25 रुपये, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है भैया, ये तो नहीं जा सकती हैं स्विच करके, एग्रीमेंट को तोड़ कर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके। तो फार्मर्स का कहना है कि यहाँ जो सिस्टम हो ना MSP की तरह सिस्टम हो, देखिए MSP की तरह सिस्टम हो, MSP में क्या होता था कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती थी, कम से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती थी। देखिए क्या होता था, समझिए किसानों की कोई वैधता नहीं थी, किसान चाहे तो इस दाम पर खरीदे, अगर उसको इस दाम से ज़्यादा मिल रहा है तो खरीदे, अगर उसको इस दाम से कम मिल रहा है तो आसानी से स्विच कर सकता है प्राइवेट मंडियों पर, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको बेचे ही बेचे। तो फार्मर्स का कहना है कि जब प्रॉफिट हो तो हम वहाँ पे बेचें, लेकिन जब लॉस हो रहा हो तो हमें यह आज़ादी मिले कि हम बाहर मार्केट में जा सकें। देखा जाए तो ये बात दोनों तरीके से देखी जा सकती है, पहला यहाँ तो किसानों का फ़ायदा है, अगर मान लिया जाए कि हम कहें दें कि नहीं आप आसानी से स्विच करके जा सकते हो, मान लिया जाए कि नहीं आपने अगर आपको मार्केट में 25 मिल रहा है तो आप एग्रीमेंट तोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, आप मार्केट में बेचो, अगर ये ऐसा होने लग गया तो इससे कॉरपोरेट हाउसेज का लॉस है, जो कंपनियां
जो बड़ी कंपनियां आपसे कांटेक्ट करेंगी, वो उनका एक एक उनका एक उनको प्रोड्यूस करना होता है हर साल। मान लीजिए लेज कंपनी अगर आपके साथ एग्रीमेंट की कि वो खरीदेगी, और आप बोल रहे हो कि नहीं हम बाहर जाके बेचेंगे, तो उनको तो चाहिए भाई, उनको तो बेचना है, चिप्स बनाने हैं, उनका तो डिमांड है चिप्स बेचाने का। उनको वो डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, उनको कच्चा माल ही नहीं मिल पा रहा, उनको आलू नहीं मिल पा रहा, तो प्रोडक्शन हो जाएगा, गिर जाएगा उनका। अब प्रोडक्शन गिरा तो उन्होंने अपने यहाँ लोगों को रखा है नौकरियों पर, वो नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, और इस तरीके से जो है वो इकोनॉमी को डायरेक्ट लॉस हो सकता है। तो हो क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को फ़ायदा पहुँचाने लग जाओगे तो कंपनियों को नुकसान होगा। अगर कंपनियां नियम के तहत चलेंगी तो फिर फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को विश्वास में लेना चाहिए फार्मर्स को। यहाँ पर शायद ये करना चाहिए था कि यहाँ पर सब्सिडी दे सकती थी, कि मान लीजिए कि 20 रुपये अगर पर केजी है और 25 रुपये पर केजी मार्केट प्राइस है, तो यहाँ 5 रुपये पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए थी। जस्ट एज्यूम, ऐसा तो होगा नहीं, बट आप अगर कह सकते हो तो ये हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, उनका बस एक है कि वो एश्योर हो जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट का जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि नहीं भैया, हम कैसे मान लें, हमारा एक तरीके से तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन दूसरे तरीके से तो हमारा लॉस है, कोई ऐसा कोई निश्चित पॉइंट नहीं है। तो ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है, समझिए मेरी बात, फिर से पहले लॉ की तरह ही इसमें फिर से उसी तरह का डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है भाई, समझिए, देखिए, अगर एक बड़ी कंपनी और एक छोटे फार्मर्स के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये मैटर किसके पास जाएगा सॉल्व करने के लिए? ये मैटर जाएगा एसडीएम के पास। और एसडीएम हम सब जानते हैं, बी प्रैक्टिकल, चलिए प्रैक्टिकल बनते हैं, इंडिया में करप्शन की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। आराम से ये कॉरपोरेट हाउसेज एसडीएम को पैसा खिलाएगा और अपने पक्ष में जजमेंट करा सकता है। इससे आफ्टर ऑल क्या होगा, नुकसान किसको होगा, फार्मर्स को होगा। मान लीजिए फार्मर्स आगे चाहते हैं स्विच करना, वो चाहते हैं कि नहीं हम कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्या छोटे किसानों के स्थिति ये है कि वो हाई कोर्ट में जाकर इन बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को चैलेंज कर सके? बिल्कुल नहीं, उनके पास ना इतना लॉ का जानकारी है, ना इतने पास उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि बड़े बड़े लॉयर्स को वो हायर कर सकें। तो देखा जाए तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी कोई आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट होगा, उसके रिजोल्यूशन के लिए फार्मर्स को हारना पड़ेगा। एसडीएम अगर फेवर में सुनाता है तो ये चलो वो सही है कि अगर एसडीएम फेवर में सुनाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप इंडिया में देखोगे तो क्या है, हम सब जानते हैं, हमें यहाँ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो इस लॉ से रिलेटेड कौन से 3 ऑब्जेक्शन हैं मैंने डिटेल किया, गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके पक्ष में। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया इससे क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे उनको एश्योरेंस मिलेगा कि चलो उनका उपज कोई खरीद लेगा, ताकि जब वो उपज जब वो फसल तैयार हो जाए तो उनको मंडियों में या फिर प्राइवेट मंडियों में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाएँ, अपने प्रोडक्ट को बेचें और पैसे ले लें। गवर्नमेंट का कहना है कि ये देखो ये बहुत बड़े फ़ायदेमंद है। प्रोटेस्टर का कहना है, किसानों का कहना है कि नहीं है, हमारे पास वो क्यों आएंगे भाई, हम तो छोटे किसान हैं, हमारे पास वो क्यों आएंगे, हम 86% लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, हम तो बहुत बड़े अमाउंट में अपने लिए रख लेते हैं, बहुत छोटा अमाउंट बेचने जाते हैं खेती के उसके लिए, आप कह सकते हो हमारे पास कैसे आएंगे ये जो कंपनियां जो आए नहीं आएंगी, उनको चाहिए होगा एक मिडिल मैन जो उनको एक बार में सबसे लेकर वो दिला दे। ये मिडिल मैन फिर से किसानों के पास आएंगे, लो प्राइसेस में खरीदेंगे ग्रुपिंग करके, और फिर हाई प्राइस में इन कंपनियों को बेचेंगे, मैटर ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दूसरा जो डिस्प्यूट है वो ये है कि प्राइस को लेकर, कि जब हाई होगा मार्केट में, जब सॉरी लो होगा मार्केट प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारा फ़ायदा है, लेकिन जब प्राइस हाई होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, हमें तो बेचना ही पड़ेगा, लॉस में ही हमें बेचना पड़ेगा, हम तो कहीं और जा नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा जो है वो ऑब्जेक्शन है प्रोटेस्टर्स का, फार्मर्स का। तीसरा वही डिस्प्यूट का जो फर्स्ट में है, कि डिस्प्यूट के लिए एक सामने अंबानी है, दूसरे सामने गरीब किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो जाहिर सी बात है पलड़ा हमेशा से, अंबानी के पास पावर है, पॉलिटिक्स का पावर है, इकोनॉमिक पैसे का पावर है, और ये गरीब किसान
एसडीएम को पैसे खिलाएगा, वो अपने फेवर में वो जजमेंट निकाल सकता है, कोर्ट में जाने की भी इसकी औकात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट में किसको फ़ायदा मिलेगा? बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को फ़ायदा मिलेगा, इससे जो है वो किसानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा, यही है ये लॉ। ये लॉ का क्या क्रिटिसिज्म है, इसके फेवर में गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आएगा। दो तीन बातें हमें और समझने की ज़रूरत है। अगर अभी आप टीवी पे देख रहे होगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिस राज्यों में, जी ऐसे तो पूरे भारत में हो रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में। पंजाब में और हरियाणा में क्यों हो रहे हैं, हम तो जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये दो राज्य जो थे वो सबसे अग्रणी थे। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जो पैदावार होता है वो इन्हीं राज्यों में होता है, तो ये ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा जो हमें समझने वाली बात यह है कि फार्मर्स कहते हैं कि, तो ये फार्मर्स कहते हैं क्या है कि गवर्नमेंट हमें, हमारे ऊपर गवर्नमेंट का एक हाथ हो, गवर्नमेंट भागे ना, गवर्नमेंट पल्ला ना झाड़े प्राइवेट हाथों में देकर, हमारे ऊपर हमेशा गवर्नमेंट का एक हाथ हो। गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम बेहतर सुविधा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाते हैं, हम प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाते हैं। देखिए इससे क्या हो जाता है, जो फार्मर्स हैं चाहते हैं कि देखिए हम उपज करें, जितना भी उपज करें, जितने भी तरह के फसल को उपज करें, सीधा जाएं एपीएमसी में, सरकारी एपीएमसी में, वहाँ उसके लिए सरकार हर फसल के लिए एपीएमसी तैयार करके रखे, एमएसपी, सॉरी एमएसपी तैयार करके रखे, और हम जो कि लाइसेंस्ड वहाँ ट्रेडर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस हमको देगा, हम वहाँ जाकर उसको बेच सकते हैं, जाकर हम वहाँ उसको बेच दें। फार्मर से चाहते हैं, हमें फार्मर से कहना है कि हमारे ऊपर हमेशा गवर्नमेंट का हाथ रहे, गवर्नमेंट का हाथ मतलब एमएसपी रहे और एपीएमसी रहे। सरकार का कहना है कि हम भैया एमएसपी कहाँ मार रहे हैं, लेकिन मैंने बताया एमएसपी किस से खत्म होगा, डायरेक्टली खत्म नहीं होगा, इनडायरेक्टली धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो मोदी जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए तो एमएसपी खत्म भी हो जाएगा, एपीएमसी भी खत्म हो जाएगा। मैंने कैसे खत्म होने के बारे में बताया, आप समझिए। तो ये किसानों का कहना है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम कब तक, गवर्नमेंट कहना है प्राइवेट हाथों में जाने से टेक्नोलॉजी आएंगी, वो रिसर्च करेंगे, वो इनोवेशन करेंगे, और आफ्टर ऑल किसानों की ही स्थिति ठीक होगी। गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के पास वो नहीं है, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी, इनोवेशंस बढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। तो ये है गवर्नमेंट का तर्क। अब फार्मर चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमेशा जो है वो सरकार के हाथ हो, यानी एपीएमसी हो, एमएसपी हो, सरकार जो है वो हमारे लिए काम करे। और तो ये है दूसरा जो ये है कि ठीक है, आप जो है वो बिचौलिया ख़त्म कर दोगे, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस आ जाएंगे तो ये बिचौलिया भी नहीं बच पाएंगे, ये बिचौलिया भी उसमें समा जाएंगे, क्योंकि ये जो इनके पास जो क्षमता होगी, इन बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के पास जो क्षमता होगी वो क्या आप बहुत बड़ी होगी, मतलब इनके पास पैसे भी खूब होंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीद लेंगे, बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है वो खरीद लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटे मोटे जो अरातियाज हैं वो भी प्रभावित होंगे, एक्चुअली में बहुत हद तक वो भी उनकी, वो भी बहुत, अभी आप देखोगे प्रोटेस्ट में तो उनका भी योगदान है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो भी एक ना एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि बड़े मार्केट प्लेयर्स अंबानी अडानी आ गए हैं तो वो उनसे कम्पीट कैसे कर पाएंगे, वो उनसे भी कम्पीट नहीं करेंगे। तो कॉरपोरेट हाउसेज कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से इसमें आ जाएंगी। फार्मर्स का कहना है क्या फार्मर्स इन कॉरपोरेट हाउसेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? फार्मर्स का जो ऑब्जेक्शन है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, उसमें यह है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन सही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि ये जो होते हैं वो अपने अपना प्रॉफिट देखते हैं, ये मार्केट के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलते हैं, इनको फार्मर्स के कंडीशन से कोई मतलब नहीं होगा, ये मार्केट प्राइस पर सब कुछ अपना जो फंक्शन करेंगे, जो कि बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि मुझे मानना, मेरा मानना यह है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे फील्डों में सफल नहीं हो सकता। मैं खुद प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन सफल नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए आप देख लो यूरोपियन मार्केट, आप देख लो अमेरिकन मार्केट, वहाँ प्री ट्रेड जो फ्री ट्रेड ला रही है वो पहले से ही है, क्या है उसकी स्थिति, बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, वहाँ पर सफल नहीं है। बिहार में 2006 में, बिहार में जो है वो 2006 में एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया,
और बिल्कुल फ्री से फ्री ट्रेड सिस्टम लाया। क्या हुआ बिहार में सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। वहाँ पे एमएसपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म के कगार पे है। बहुत बहुत 1% से कम भी लोगों को एमएसपी जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस लॉ से। आप इतिहास देख लो, आप फ्यूचर देख लो, या जिन लोगों ने किया है उनको उदाहरण के रूप में देख लो, यूरोपियन मार्केट्स को देख लो आप, अमेरिकन मार्केट्स को देख लो, आप समझ में आ जाओगे। तो फार्मर्स का कहना है कि कॉर्पोरेट हाउसेस पे ट्रस्ट करना उनके बस की बात नहीं है, बिकॉज़ ये प्रॉफिट चाहेंगे, इनको फार्मर कंडीशन से कोई मतलब नहीं होगा, ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करेंगे, जो कि बहुत हद तक सही है। तो ये रहा लॉ। दूसरा, दूसरे लॉ के बारे में मैंने जो है वो डिटेल में बताया कि कैसे जो है ये जो है वो इसके क्या ऑब्जेक्शन हैं, गवर्नमेंट इसके फेवर में क्या बोल रही है। मैंने पूरा पर्सपेक्टिव अपना इसमें रख दिया। अब आप पे ये है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। आप बहुत अच्छा कमेंट करो, मतलब लंबा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 लाइनें। आपको क्या लगता है, आपको इसके लिए ऑब्जेक्शन क्या है, आप किन किन लॉ के किन किन चीज़ों को आप समर्थन करते हो, आप बिल्कुल लंबा ट्वीट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, ताकि मैं भी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों से सीख सकूँ। तो ये है पूरा मैटर, ये 2 लॉ मैंने बहुत ही डीप तरीके से आप लोगों को बताया। अब आते हैं, पहला लॉ समझ में आया, दूसरा लॉ समझ में आया। पहला लॉ कहता है कि फार्मिंग, फसल की उपज के बाद वो कहाँ ट्रेड करेगा, कैसे ट्रेड करेगा, किन लोगों से ट्रेड करेगा। दूसरा कहता है कि फसल उगाने के समय ही किस लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये है पहला लॉ और ये है दूसरा लॉ। अब आते हैं हम लोग तीसरे लॉ पे, कि तीसरा लॉ क्या कहता है। देखिए, तीसरा लॉ जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, ये कोई जे उन 2 लॉ थे बिल जो इससे पहले का जो 2 लॉ था, जो 2 बिल थे, जो लॉ मैं बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली ये बिल है, ये बिल है, अभी लॉ नहीं बना है, ये अभी बिल है, ये लॉ नहीं बना है। पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका इन पर साइन नहीं है। लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक इसका साइन नहीं किया है, ये अभी तक बिल है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ अ बिल। तो चलिए, ये नया बिल नहीं है, वो 2 नए बिल थे, बिल्कुल नया इंट्रोडक्शन था। ये क्या है, ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का अमेंडमेंट है, ये उस बिल को संशोधन करता है, ये कोई नया बिल नहीं है। ये इसलिए 1955 क्या था, ये था कि कुछ जरूरी जो इसेंशियल जो कॉमोडिटीज़ हुए हैं, जो ज़रूरी सामग्री हैं, खाद्य सामग्री, 1955 के लॉ के अनुसार आप उनको स्टॉक करके नहीं रख सकते, आप उनको जमा करके बड़े मात्रा में अपने घर में अपने गोदाम में रख नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर आप अच्छे खासे नप सकते हो, लीगली आप पे अच्छे खासे चार्जेस लग सकते हैं काला बाजारी के नाम पर। वो कौन से फूड ग्रेन्स हैं, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आलू है, प्याज है, दाल है, चावल है, तेल है, तिलहन है, आप इसको बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करके नहीं रख सकते थे 1955 के लॉ के अनुसार। उस समय क्या था, आज़ादी हमें मिली थी, और बहुत बड़े जो ट्रेडर्स होते थे वो बदमाशी किया करते थे, कि बड़ी मात्रा में वो स्टॉक करके रख लिया, मार्केट में जो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई घटती है तो जाहिर सी बात है प्राइस हाई होते हैं, जैसे ही प्राइस हाई होती है तो धीरे 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 फिर ये इन प्रोडक्ट्स को निकालते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए ये इसी 1955 लाया था। ये लॉ जो है, ये जो अभी गवर्नमेंट लाई है, मोदी गवर्नमेंट लाई है 2020 में, ये उसी बिल का संशोधन है। ये लॉ क्या कहती है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ जिस पर बैन लगाया था, स्टॉक जिसके जमा करने में बैन लगाया गया था 1955 में, हम उस बैन को हटाते हैं। कैसे करते हैं, कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आलू, प्याज, दाल, चावल, खाद, तेल, तिलहन, अब क्या होगा, आप जो है उसका जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी स्टॉक कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है, हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोलेंगे, आप जितना चाहो उतना जो है वो स्टॉक करके रखो। हम कब कूदेंगे, हम पहला केस तो है कूदने का, कि हम जो है वो कूदेंगे जब क्या हो, जब कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर हो, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आया हो, तब हम कूदेंगे। वॉर हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, या वॉर हो, तब हम कूदेंगे। अकाल हो,
तब हम कूदेंगे, या जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब हम कूदेंगे, उससे पहले आप जितना चाहो वो स्टॉक करके रखो, हम रोकने वाले नहीं हैं, आप समझो ये है। अब आपको देखने से लगेगा कि यार ये तो कुल्हाड़ी मार रही है सरकार, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, बिकॉज़ अगर सरकार ये छूट दे रही है कि वो आलू प्याज दाल उन लोगों को जितना चाहे इतना वो स्टॉक करके रखे, आप लोग इससे तो गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान है कि कोई भी अगर बड़ा ट्रेडर आलू को या प्याज को स्टॉक करके रख लेता है भारी मात्रा में, और उससे प्याज की कीमत या आलू की कीमत बढ़ जाती है मार्केट में, तो हम सब जानते हैं कि प्याज की कीमत से सरकारें गिर जाती है भारत में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं? वेल, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट। देखिए, जिस तरह की फ्री ट्रेड की बात कह रही थी इन दो लॉ में, और बिग कॉरपोरेट हाउसेस को लाने की बात हो रही थी फार्मिंग में, अगर ये बिल नहीं आती तो उनका कोई मतलब नहीं होता। जब कोई बड़ी कंपनियां किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में फसल खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत लंबे समय तक के लिए स्टॉक करके रखना पड़ता, तो ये लॉ लाना तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। गवर्नमेंट का इसको फेवर में लेकर यह कहना है कि इससे क्या होगा कि पहला लॉ तो लाया कि हम टैक्सेस फ्री कर देंगे प्राइवेट ट्रेडिंग का, यानी एपीएमसी के बाद जो ट्रेडिंग होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो आएंगे सिर्फ टैक्स के फ्री करने से। जब टैक्स की फ्री करने से बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो मिडिल मैं जो हैं, जो अड़तियाज हैं, जो मिडिल मैं हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये मिडिल मैन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यह कहना है गवर्नमेंट का। और दूसरा जो है, हम इसमें क्या किया कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने स्टॉक करने को करने की आज़ादी दे दी, तो इससे उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, यानी और भी कॉरपोरेट हाउसेज फार्मिंग को लेकर आएंगे, फार्मिंग के सेक्टर में आएंगे। वो क्या करेंगे, आकर वो क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो स्टॉक करने की टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्योंकि अभी तक जो स्टॉक करने की सिस्टम है वो कोल्ड रूम होती है और वॉर वेयर हाउसेज होती हैं, जिसमें वही हम लोग फॉर्मल तरीके अपनाते हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स अपनाती हैं। जब ये कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदने लग जाएंगी फसलों को, उपज को फार्मर्स की, तो ये क्या करेंगी, ये स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजीज लाएंगी, बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजी लाएगी, इनोवेशन करेगी, रिसर्च पे काम करना शुरू कर देगी, ताकि जो है कम से कम में इन जो फसलों को कम खर्च में स्टोर कर सके। तो सरकार का फेवर क्या कहना है कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे तो मिडिल मैन ख़त्म हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी आ जाएगी कॉरपोरेट हाउसेज के आने से, गवर्नमेंट का इसके लेकर ये फेवर है। इसके खिलाफ़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप भी समझते हो। पहले तो काला बाजारी होगी, हम सब जानते हैं काला बाजारी तो कोई रोकने जा रहा है, काला बाजारी तो होगी ही होगी। फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा हो सकता है, जाहिर सी बात होगा ही। और तीसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन फार्मर्स का है कि बिग कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, जो बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो कंट्रोल करने लग जाएंगी मार्केट प्राइस को, जो कि सही है। कि देखिए, बिग कॉरपोरेट कैसे मार्केट प्राइस को कैप्चर करने लग जाएंगी, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, मिडिल मैन अब नहीं रहेंगे, बिकॉज मिडिल मैन की भी औकात नहीं रहेगी कि वो अंबानी अडानी के साथ कम्पीट कर सके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जाएंगी तो मिडिल मैन भी ख़त्म, यानी ये बहुत बड़ी जो कंपनियाँ आ गई तो अब ये बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करके रख लेंगी, तो मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं इन पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ये अपने हाथों में पूरी मार्केट प्राइस का कंट्रोल जो है वो रख रखे होंगे, जो कि सही नहीं है, फार्मर्स का कहना है जो कि सही नहीं है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कॉरपोरेट हाउसेस को पूरी तरह फ्री हैंड दे रही है, गवर्नमेंट हाउसेस को क्या कर रही है, पूरी तरह फ्री हैंड दे रही है, जो सही नहीं है फार्मिंग के सेक्टर में, तो बिल्कुल सही नहीं है। ये है गवर्नमेंट का पक्ष इसको लेकर, और इस ये है फार्मर्स का पक्ष इसको लेकर। हमने मैंने दोनों बातें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रख ली। देखिए, हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 21st सेंचुरी में फार्मिंग सेक्टर में, 21st सेंचुरी में फार्मिंग सेक्टर में जिस तरह के टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी भारत में, अब तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आई है। और इसका सबसे बड़ा सिस्टम यह है कि अभी भी जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को फार्मिंग सेक्टर से जो है वो डायरेक्टली दूर रखा गया था। ये कारण था कि हम जो हैं वो ये लोग जो हैं वो क्योंकि ये आएंगे तो सिर्फ ये नहीं आते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी लाते हैं। अब
ये लॉ कैसे क्या होगा, टैक्सेस फ्री कर दी जाएगी, स्टॉक पर आज़ादी हो जाएगी, तो बड़े बिग कॉरपोरेट हाउसेज आ जाएंगे, और ये बिग कॉरपोरेट हाउसेज आ जाएंगे तो मिडिल मैनस खत्म हो जाएंगे, सरकार का ऐसा मानना है, और ये टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, तो ये सही में है, रातिया सिस्टम जो है, मिडिल मैन सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ जो और भी जो ऑब्जेक्शन के लिए फार्मर्स का एक बहुत बड़ा है कि फार्मर्स क्या हो जाएंगे, वो लेबर्स बन जाएंगे, फार्मर्स जो हैं, जो कि अब तक ज़मीन के मालिक हैं, वो लेबर्स बन जाएंगे, ऐसा कहना है फार्मर्स का, वो जो हैं वो लेबर्स बन जाएंगे। देखिए इसकी सच्चाई जानी है, अभी भी ये ऑब्जेक्शन तो उठा रहे हैं फार्मर्स, लेकिन अभी भी अगर आप लॉ देखोगे तो ये है कि कोई भी बिग कॉरपोरेट हाउसेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी ज़मीन नहीं खरीद सकता फार्मर्स से, फार्मिंग लैंड नहीं खरीद सकता, वो उसकी उपज पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो खरीदेगा, ऐसा नहीं कर सकता कि वो 10 हेक्टेयर की पूरी भूमि या फिर पूरी ज़मीन बोल दे कि भैया हम इसको खरीद ले रहे हैं, आप हम हाँ हमारे इस लैंड पे काम करो एज अ फार्मर, और हम आपसे उपज कर देंगे, वो ऐसा नहीं कर सकता। यानी जो लेबर का जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो उठा रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, तो आप समझिए कि ये मैटर इस तरह से भी अब देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम कॉरपोरेट हाउस को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने के इजाज़त दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं कि वो ज़मीन खरीद ले, और ज़मीन खरीद के उल्टा फार्मर्स को ही जो है एक लेबर्स की तरह ट्रीट करे, जो कि सही भी है देखा जाए तो, फार्मर्स जो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट भी कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये था वीडियो, हमने एक एक बात जो है वो बिल्कुल आसान शब्दों में रखनी चाहिए। पहला बिल क्या था, पहला बिल जो फ्री ट्रेड की आज़ादी देता है, गवर्नमेंट इसके पक्ष में क्या तर्क देती है, प्रोटेस्टर्स क्या कहते हैं, फिर हमने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर दूसरा है जो बिल है जो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को के बारे में बात करता है, उसके पक्ष में गवर्नमेंट का क्या कहना है, उसके विपक्ष में प्रोटेस्टर्स और फार्मर्स का क्या कहना है, फिर हम लोगों ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट्स, गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, इसके विपक्ष में प्रोटेस्टर्स का कह रहे हैं, फिर हम लोगों ने अपना एक रखा। इस तरह से ये 3 बिल हैं। अब ये आप पर है कि आपको क्या लगता है कि ये बिल ज़रूरी है। देखिए मुझे लगता है कि ये बिल बहुत हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक इसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है, ये पूर्णतः सही नहीं है। मेरे अनुसार जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था इस बिल से पहले वो भी ख़राब था, ये लॉ है ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट को सही से, फार्मर्स को सही से समझना पड़ेगा। खैर अब आप पर है ये, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या राय है इस पर, और आप कमेंट सिर्फ कमेंट मत करो, आप लंबा लिखकर मुझे बताओ कि किस किस लॉ में क्या आपको लगता है कि ख़राब है, क्या आपको लगता है कि सही है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल लंबा कमेंट करो ताकि मैं पढ़ सकूँ और मैं भी बहुत कुछ सीख सकूँ। तो ये था वीडियो का एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। मैंने तुम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो और विशेषकर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, या तो फार्मर्स के मतलब जो किसान के बेटे हैं, ताकि उनको समझ में आए और वो समझा सके किसानों को, कि बहुत सारी चीज़ें आप अगर देखोगे प्रोटेस्ट में तो वो हो रहा है कि किसान तो आ तो जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने पर, उनको उनके बारे में समझ ही नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहका कर उनको ला रही हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे ऐसे होते हैं, किसान भी समझ रहे हैं भाई, उनका ही मैटर है, लेकिन बहुत हद तक किसान नहीं समझ पा रहे हैं, बस वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आकर चीज़ें जो हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट करें, बहुत सारी चीज़ में प्रोटेस्ट करने लायक है भी, लेकिन आफ्टर ऑल समझे तो कि है क्या। तो मेरा मेरा आपसे उम्मीद ये है कि आप जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और ज़्यादा लोगों को अवेयर हो सके ये लॉ है क्या, और अपना एक ओपिनियन बना सके इसके बारे में। अभी क्या होता है, ओपिनियन हम बहुत ही छोटे से ज्ञान के आधार पर, हमने कहीं से सुन लिया, किसी ने बता दिया, छोटा ज्ञान रख लिया और उसके आधार पर ओपिनियन बना लिया। होना क्या चाहिए, होना चाहिए क्या कि हम खुद इसके डिटेल में जाकर बात करें और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत डीप में बात की है,
सो जरूर से जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, मेरे फेसबुक पेज को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो जरूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह करेंट अफेयर्स पर डिटेल्स वीडियो बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।